नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको तीन ऐसी सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आप उसे जान लेते हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही काम आने वाली हैं। यदि दोस्तों आप अपने बच्चे को अपना मोबाइल देते हो यूट्यूब चलाने के लिए, तो क्या ऐसी सेटिंग करके देनी चाहिए जिससे आपके बच्चों के सामने कोई भी गंदी वीडियो ना आए यूट्यूब पर? या फिर आप रात में अपने बच्चे को, या फिर आप खुद रात में वीडियो यूट्यूब वगैरह चलाते हो, तो क्या सेटिंग करनी चाहिए आपको यूट्यूब के अंदर? तीसरी दोस्तों, यदि आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड करते हो, या फिर अपने बच्चे को मोबाइल देते हो ऐप वगैरह गेम वगैरह डाउनलोड करने के लिए, तो क्या सेटिंग करके आपको देनी चाहिए? तो ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और साथ में बेल आइकन को दबा के इस ऑल पर आपको क्लिक कर देना है। साथ में यहाँ पे कमेंट में जाना है, और कमेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है सेटिंग। यहाँ पे आपको सेटिंग लिखने के बाद आपको यहाँ पे इसे सेंड कर देना है। अब मैं आपको बता देता हूँ तीन सेटिंग वो कौन कौन सी हैं जिसे आपको इसे अपने मोबाइल में करके देनी है। अपने बच्चे को यूट्यूब चलाते हो या फिर कुछ भी करते हो, तब आपको अपने बच्चे को ये सब सेटिंग करके देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले ऊपर जाना है, यहाँ पे जहाँ पे आपकी फ़ोटो वगैरह या फिर नाम वगैरह लिखा होता है इसमें जाना है। तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको जनरल में जाना है। तो जैसे आप जनरल में जाओगे तो यहाँ पे दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड मोड है, इसे आपको ऑन कर देना है। तो इससे क्या होगा, जब भी आप इसे अपने बच्चे को दोगे और इसे ऑन करके दे दोगे, तो वो यदि सर्च भी करना चाहे तो भी आपके बच्चे के सामने वो गंदी वीडियो नहीं आएगी, और ना ही यूट्यूब उसको सजेस्ट करेगा कि गंदी वीडियो देख लो। तो इस तरीके से आपको आपका बच्चा जो है गंदी वीडियो बिल्कुल ही नहीं देख पाएगा यूट्यूब पर। और दोस्तों दूसरी सेटिंग है, यदि आप रात में वीडियो देखते हो, आपके बच्चे वगैरह वीडियो देखते हैं, तो आपको ये जो डार्क मोड है इसे आपको ऑन कर देना है। इससे आपकी आंखें पर बिल्कुल भी रोशनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, और आपकी आंखें जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, और आपकी फ़ोन की बैटरी है वो भी ज़्यादा चलेगी। ये तो होगी दोस्तों दो सेटिंग। अब मैं आपको तीसरी सेटिंग बता देता हूँ जो है प्ले स्टोर की। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये प्ले स्टोर है, तो मैंने इसे ओपन कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको थ्री डॉट पर जाना है। तो जैसे आप थ्री डॉट पर जाओगे तो यहाँ पर दोस्तों नीचे नीचे आप जाना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी सेटिंग। तो आपको इस सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल से है, तो इसे आपको है जो है ऑन कर देना है। तो जैसे यहाँ पे ऑन करना है तो यहाँ पे आपको पिन मांगेगा, तो आपको पिन लगा देना, कोई भी यहाँ पे पिन लगा देना। मैंने यहाँ पे पिन लगा देता हूँ, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ, फिर दोबारा वो यहाँ पे लगा देता हूँ, और फिर यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो अब दोस्तों जो भी है आपको क्या क्या आपको मतलब बच्चों को ये सेटिंग करके दे देनी है, तो यहाँ ऐप्स और गेम जाओगे तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दोस्तों 18 प्लस जो भी गेम होंगे वो सारे के सारे एक भी आपको यहाँ वो सर्च भी करेगा तो भी यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये सब तीन सेटिंग आपको करके दे देनी है अपने बच्चे को। तो इस तरीके से आपको ये ऑन करके दे देना है। तो ये तीन सेटिंग कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, आपके बच्चे भी सेफ रहेंगे, आपकी आंखें भी ख़राब नहीं होगी, और सब कुछ इसमें ठीक होने वाला है। तो ये तीन सेटिंग आप ज़रूर कर लीजिए अपने फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये तीनों सेटिंग और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में।